हेलो दोस्तों, इस टाइम पूरे पाकिस्तान में महंगाई अपने बुरे दौर में है और लोगों को महंगाई से इस तरह कुचल दिया गया है कि लोग तीन वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। सतना इलाकों में भी 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी। गर्मी में घंटों की लोड शेडिंग से अवाम का पारा हाई हुआ तो सड़कों पर निकल आए। बिजली के सताए शहरियों का शाह फैसल कॉलोनी, रेता प्लॉट और गुलिस्तान जौहर में एहतजाज। शहरियों का कहना था गर्मी में बुरा हाल है, लोड शेडिंग से पानी की किल्लत भी हो गई है। 17-17 घंटे लाइट जा रही है, यहाँ पर बिल इतने आ रहे हैं, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार के बिल आ रहे हैं रोजाना। कल 16-17 घंटे से आई है, 1 घंटा आती है, 3 घंटे जाती है, 1 घंटा। लाहौर फैसल चौक के करीब प्लाजा में आग भड़क उठी। प्लाजा की दूसरी और तीसरी मंजिल पर कई अफराद फंस गए हैं। आग प्लाजा की बेसमेंट में लगी है। लगी तो इमरजेंसी एग्जिट ना होने की वजह से दर्जनों अफराद जो है वो प्लाजे के अंदर महसूर हो गए थे। कुछ ने भागकर अपनी जानें बचाई, लेकिन दूसरी और तीसरी मंजिल पर वाकया लोग जो है वो आग लगने की वजह से महसूर हो गए थे। इस मुल्क के साथ नहीं करने देनी चाहिए, उसके काम में पोस्ट करना। इस मुल्क को डूबने दें, 22 करोड़ को डिफॉल्ट होने दें, यहाँ पे वो श्रीलंका वाला हाल होने दें, इलीट को खुश होने दें। इस इलीट का कुछ नहीं होगा। जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पहली। कराची में दिन रात बिजली गायब, पानी की फराहमी भी मुतासर। अवाम का पारा हाई हुआ तो अवाम सड़कों पर निकल आए।